सत श्री अकाल जी, हरजिंदर वालिया यूट्यूब चैनल ते तुहाडा स्वागत। प्यारे दर्शकों, जिंदगी दे विच हर व्यक्ति कामयाबी चाहुंदा है, हर मनुख चाहुंदा है कि वह सफलता ते शिखर ते पहुंचे। असी सारे इको आसमान हेठा रहने हैं, पर साडा सब दा आसमान इको जिहा नहीं हुंदा। सफलता का अर्थ की है? सफलता का अर्थ है जितना हर मैदान फतेह पाना। सफलता का अर्थ है दौलत, शौहरत अते सत्ता प्राप्त करना। सफलता का अर्थ है हर किस्म का सुख, हर किस्म की सुविधा। सफलता का अर्थ है समाज विच इज्जत पाना, प्रशंसा जितना, आर्थिक सुरक्षा हासिल करना, आत्म सम्मान नाल जिंदगी विच अगे बढ़दे रहना, खुशी प्राप्त करना। सफलता का अर्थ है आनंदमयी जिंदगी। सफलता का अर्थ है समाज लई कुछ चंगा कर सकन दे समर्थ होना। हर बंदे दी अपनी परिभाषा है सफलता दी। पर सफलता मिलती किवें है? असल सवाल तो यह है, सफलता का बड़ा मंत्र नवा विचार अते नवी सोच है। नवा विचार नवी सोच कह सकते हैं कि सफलता का मंत्र है। सफलता अक्सर उन्होंने लोगों को मिलती है जो कठिनाई भरे नवे राह तलाशते हैं। अजिहा ही एक व्यक्ति सी जिहदा नाम सी किंग सी जिलेट। जिलेट ने अपनी जिंदगी एक कलर्क दे तौर ते शुरू की थी। एक हार्डवेयर कंपनी चो कलर्क सी, 21 साल दी उम्र चो कलर्क बन गया सी। 28 वरे वह कलर्क तो बाद सेल्समैन रहा। इन्हां वरिया दे विच जिलेट कोल ज़्यादा पैसा नहीं सी। कलर्क कोल किन्ना क पैसा हो सकता है तुसी आप ही जानते हो, पर उहदे मन च सुपने बहुत बड़े सी। ते एक बड़ा सुपना सी अमीर बनन दा। वैसे मैं बहुत बार कहा है कि सुपने बंदे नूं बड़े लेने चाहिए ने। असी सुपने क्यों कंजूसी करते हैं? पाश ठीक ही कहता है, सब तो खतरनाक हुंदा सुपनिया दा मर जाना। ते अज साडे सुपने भी मरते जा रहे ने, पर जिलेट नहीं सी, वो बड़े सुपने लै रहा सी। हाँ, एक गल पक्की है कि ना तो उहदे कोल कोई साधन सी, ना कोई पैसा सी, सिर्फ सुपना ही सी। एक गल जरूर सी कि वह नवे विचार लभदा रहिंदा सी। ते दूजी गल ये सी कि उहदे कोल आत्म विश्वास बहुत सी। कल्ला अमीर बन दा सुपना नहीं सी, आत्म विश्वास सी। ये बहुत जरूरी हुंदा है, आत्म बल बहुत जरूरी हुंदा है। सो सुपना उदो ही जिंदगी विच जड़ा है हकीकत च तब्दील होंदा है। एक ख्याल रखिए आपां, जदों इसकी पूर्ति लई कुछ कम किया जाए, कुछ कदम चुके जान, कुछ मेहनत की जाए, अदरवाइज फिर यह सुपना जड़ा होंदा ना शेख चीले का सुपना बन जाता है। मैं बहुत बार कहा कि सुपना तो वह लवो जड़ा थोनों सौन ना देवे। सुते पाए देखिया जो सुपना है वह नहीं असल सुपना होंदा। घट्टो घट सफलता लई वह ज़्यादा कम नहीं करता। लेकिन यह तो एक सेल्समैन सी जिलेट, तो वह लगातार सोचता रहता सी। तो जो जी चीज़ नूं तुसीं लगातार सोचते हो ना, उत्थे फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। जिस बात को आप दिल से चाहते हैं, सारी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। ये वही चीज सी। चलो खैर, उहदे मन च कई बार कोई ख्याल आउंदा सी। एक बार उहदे मन च ख्याल आया कि कोई ऐसी चीज बनाई जाए जिहड़ी इक्को बारी वरती जा सके, इक्को बारी यूज आवे, क्योंकि ज़्यादा बिकू ना। जे एक बारी यूज करके उहनूं सिट देणगे तो दुबारा खरीदनी पऊ। बस ये वो सोचता रहा भी यह जी कि चीज़ हो सकती है। तो वैसे जदों तुहानू अपनी मंजिल का पता लग जाता ना,
उदो मंजिल ही दस दिंदी है कि राह केड़ा इत्थे पहुंचण दा। बस वो लभदा रहा लेकिन बड़ी मुश्किल होंदी है। नवें विचार एवें नहीं मिलते, ये उदों मिलते ने जदों मैं जिवें दसे कि जदों तुसीं दिलों चाहुंदे हो फिर कुदरत भी थोड़ा साथ देना शुरू कर दिंदी है। तो कुदरत ने जीलेट का साथ देना भी शुरू करता। एक दिन की गल है, ये 1895 की मैं गल सुना रहा। तो एक दिन दाढ़ी बना रहा सी, दाढ़ी की शेप कर रहा सी, तो उहदे ख्याल आया मन च कि जिहड़ा मैं ब्लेड बार बार यूज करदा कोई ऐसा ब्लेड बनाइए जिहड़ा एक बार यूज हो, बस उदू बाद सिटना पवे। विचार तो बहुत दमदार सी पर उहदे कोल पैसा किथे सी, साधन नहीं सी, विचार ही सी, ते ना पैसा सी ना कुछ होर। लेकिन कुछ करने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। तो उहदे कोल साधन नहीं सी पर संकल्प का धन सी। ते कुछ करने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, मन सी। उसने की किया, उहदे कोल कुछ शेयर सी, वह सोचता रहा। 1902 दे विच आके उसने जिन्ने भी शेयर सी वह घट रेट से बेचते, भी पैसा चाहिए। तो फिर उन्हें अपना काम कर लिया, ब्लेड बनाया। हुण करिए कि ब्लेड उहदा बिके ना, एक साल दे विच सिर्फ 51 ब्लेड बिके। तो आम तौर पर जदों इस तरह की गल हुंदी है ना, लोग हौसला छड्ड जांदे ने। दुनिया च इस तरह ही देखिया, बहुत सारे बिजनेस पहले 4-5 साल च इसे करके बंद होंदे ने। बहुत सारे ने 95% कि वह जिहड़ा है पहले 2-4 साल उन्हां च कुछ बचदा नहीं, मिलदा नहीं। सफलता तो असल दे विच जिवें तुहानूं दस्सिया ने, एक दृष्टिकोण हुंदी है, एक विचार हुंदा है। तो फिर जिहड़ा जतन करदा रहिंदा है, जिहड़ा लगातार जतन करदा है, उही जितदा है। बस मंजिल पता होवे ते फिर लगे रहे। तो वो है ना कि कुछ इस तरह तय की हमने मंजिले, गिर गए, गिर कर उठे, उठकर चल दिए। इत्थे भी यही हुंदा है, गिरना, गिर के उठना, ते उठ के चलना, इस तरह के काम च बहुत जरूरी हुंदा है। उत्थे भी जरूरी सी, ते बस फिर जिलेट लग्या रहा। ते एक जिहड़ी जदों बंदा कोशिश जारी रखदा, ख्याल रखो तुसीं, रस्ते फिर भी वह साथ में दिंदी है ना कुदरत। ते कुदरत ने इत्थे भी साथ दिता, उहदा जिहड़ा ये ब्लेड है पेटेंट करता अमरीका ने। जदों उहनूं जिलेट नूं इरेजर का अधिकार मिल गया, तो फिर वह खुल के खेडिया। उसने ब्लेड बनाए, उसने फिर की किया, कली कली दुकान ते जाके रखते कि जी बेचो इन्हां नूं। तो कमाल हुई हौली हौली। तुहानूं बहुत बार जिहड़े तुसीं वीडियो बनाउंदे हो जां देखदे हो, तुहानूं पता लगदा कि बंदा लग्या रहिंदा। कदे कदे इह जिहा उहदा वीडियो वायरल हुंदा, सोच भी नहीं सकदा किवें हो गया। बिल्कुल उस तरह यह हुंदा बिजनेस का, वह जाके खुद रखदा सी लेकिन बहुत घट बिकदे सी। फिर एक ऐसा काम, एक टाइम आया कि उहदे सारे ब्लेड जिहड़े ने ना धड़ाधड़ बिकन लगे, और उहदी कंपनी का कारोबार एक वक्त ऐसा आया दुनिया च 200 देशों दे विच उहदी कंपनी का कारोबार फैल गया सी, इस लैवल तक वो पहुँच गया। तो तुहानूं दसां मैं जदों मैं उहदी जिंदगी पढ़ रहा सी ना, मैं हैरान सी। वह बंदा जिहड़ा कलर्क तो जिसने जिंदगी शुरू की, 28 साल सेल्समैन रहा, तो जदों उसने अपने नवें विचार नाल ब्लेड बनाया तो वह पैसा कमाउण लग्या, कंपनी उहदी जिहड़ी है धन बनाउण लगी। तो फिर जदों वह 1932 च इस दुनिया तो जांदा है, उस समय वह अरबां रुपए का मालक सी, अरबां का। तो किवें होया ये, असल तां यह दसना चाहुंदा मैं, जिहड़ी ये किंग दी सफलता का राज
ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉੱਠਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 51 ਬੇਕੇ ਸਾਲ 'ਚ ਪਰ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ।